सब्सक्राइब कीजिए ज्ञान ओके चैनल को, और गवर्नमेंट जॉब्स, गवर्नमेंट स्कीम और रिजल्ट से रिलेटेड अपडेट का नोटिफिकेशन पाएं सबसे पहले और सबसे तेज। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल ज्ञान ओके में। तो दोस्तों, नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन की शुरुआत 15 अगस्त 2020 को जो मोदी जी ने करी है, इसके अंतर्गत हेल्थ आईडी कार्ड बनवाए जाएंगे। तो हेल्थ आईडी कार्ड कैसे आपने बनाना है और हेल्थ आईडी कार्ड क्या काम आएगा, हेल्थ आईडी कार्ड के बारे में पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, हेल्थ आईडी कार्ड के बारे में सबसे पहले मैं इसके FAQs आपको बता देता हूँ। हेल्थ आईडी कार्ड क्या है? तो ये प्रत्येक रोगी जो अपने स्वास्थ्य रिकॉर्ड को डिजिटल रूप से उपलब्ध कराना चाहता है, हेल्थ आईडी कार्ड बनाकर शुरू उसको करना होगा। और प्रत्येक स्वास्थ्य आईडी यानी कि जो हेल्थ आईडी है को एक डेटा सहमति प्रबंधक जैसे NDHM से जोड़ा जाएगा, जिसका उपयोग रोगी की सहमति लेने और व्यक्तिगत स्वास्थ्य रिकॉर्ड मॉड्यूल से स्वास्थ्य जानकारी के सहज प्रभाव के लिए अनुमति देने के लिए किया जाएगा। तो ये FAQ का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आपसे आप इसको एक बार पढ़ लेंगे तो आपकी हेल्थ आईडी कार्ड के बारे में जो भी प्रश्न हैं वो आप यहाँ से देख सकते हैं। और हेल्थ आईडी कार्ड के लिए आपको क्या क्या करना होगा, क्या आपको चाहिए होगा? तो आपका नाम, जन्म, लिंग, मोबाइल नंबर, ईमेल, आधार, ये आपको चाहिए होंगे। ईमेल, आधार, मोबाइल नंबर वैकल्पिक हैं। तो कैसे आपको हेल्थ आईडी कार्ड बनाना है मैं आपको सीधे अब बता देता हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों, हम इस वेबसाइट पर आएंगे, healthid.ndhm.gov.in। ये वेबसाइट है, ये आप देख सकते हैं, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी की ये वेबसाइट है। यहाँ होम पेज पर ही आप देख सकते हैं क्रिएट योर हेल्थ आईडी नाउ, एक ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाता है। तो हम इस पर क्लिक कर देंगे क्रिएट योर हेल्थ आईडी नाउ पे। अब यहाँ अलर्ट आ जाता है, अभी देख सकते हैं आप, करंटली हेल्थ आईडीज़ कैन बी मेड ओनली अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, चंडीगढ़, दादरा नगर हवेली एंड दमन एंड द्वीप, लद्दाख, लक्षद्वीप एंड पुडुचेरी। तो अभी केवल ये इन्हीं जगह शुरू हुआ है, तो धीरे धीरे पूरे देश में लागू हो जाएगा। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, जब ये पूरे देश में भी लागू हो जाएगा तो प्रोसेस यही रहेगा, उसके बाद हम इसे कंटिन्यू कर देंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं जनरेट योर हेल्थ आईडी, जनरेट वाय आधार, जनरेट वाय मोबाइल। तो अगर आप आधार कार्ड से जनरेट करना चाहते हैं तो आधार पर क्लिक करेंगे, मोबाइल से बनाना चाहते हैं तो मोबाइल नंबर पर क्लिक करेंगे। तो हम इस तरह से ये कर देंगे। अब यहाँ देख सकते हैं मोबाइल नंबर के लिए हमें एक वन टाइम पासवर्ड भेजा जाएगा, तो हम यहाँ मोबाइल नंबर अपना डाल देंगे इस तरह से। मोबाइल नंबर डालने के बाद हम नीचे आएंगे और यहाँ एग्री पे क्लिक करेंगे और इसे सबमिट करेंगे। एक OTP हमारे मोबाइल नंबर पे आएगा जो कि हमने इसमें दिया है, तो OTP आएगा, OTP हमें यहाँ सबमिट करना है। OTP हमारा आ चुका है तो हम इस तरह से यहाँ OTP डाल देंगे। OTP सबमिट हम इस तरह से कर देंगे। अब ये देख सकते हैं आप, एक फॉर्म ये आ चुका है, इस फॉर्म को हम भरेंगे इस तरह से। दोस्तों, ये फॉर्म आप इसी तरह भरेंगे। हेल्थ आईडी आप किस नाम से बनाना चाहते हैं ये देख सकते हैं, अपना नाम डाल देंगे, पासवर्ड यहाँ हम डाल देंगे जो भी पासवर्ड हम रखना चाहते हैं। दोबारा से पासवर्ड फिर डालेंगे, अब यहाँ डेट ऑफ बर्थ हम डाल देंगे इस तरह से, यहाँ से जो डेट है वो सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद स्टेट हम यहाँ से अपना चुन लेंगे। तो अभी यहाँ फ़िलहाल स्टेट यही दिखा रहा है, तो अभी इन्हीं स्टेट के हम कर सकते हैं। उसके बाद जेंडर मेल कर देंगे, तो ये आप देख सकते हैं ये पूरा इस तरह से आ चुका है। अब इसे सबमिट करने का ऑप्शन आ जाता है, तो कोई अगर छूट रखा है तो यहाँ बता देगा,
तो दोस्तों सबमिट करने के बाद जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ एक हेल्थ आईडी कार्ड हमारा बन के आ चुका है। यहाँ आप देख सकते हैं योर हेल्थ आईडी और उसके बाद हमारा नाम, हेल्थ आईडी नंबर, हेल्थ आईडी, उसके बाद नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, मोबाइल नंबर, क्यूआर कोड आ चुका है। इसी के साथ में नीचे हमें यहाँ ये भी दिखा भी देता है और यहाँ डाउनलोड हेल्थ आईडी कार्ड पर क्लिक करके हम अपना हेल्थ आईडी कार्ड डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो दोस्तों इसे डाउनलोड करने के बाद आप देख सकते हैं इस तरह से हमारा ये हेल्थ आईडी कार्ड ये बनके स्क्रीन पे आ जाता है। इसमें हमारा हेल्थ आईडी कार्ड नंबर रहता है और हमारा हेल्थ आईडी का जो यूजर नेम है वह है, नाम है, डेट ऑफ बर्थ है, जेंडर और मोबाइल नंबर है, साथ ही एक क्यूआर कोड भी हमारा इसमें दिखाता है। दोस्तों अगर आप फिर से इस वेबसाइट पर लॉगिन करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको इसी वेबसाइट पर दोबारा आना है। यहाँ लॉगिन का ऑप्शन आपको मिलता है, यहाँ आप देख सकते हैं हेल्थ आईडी एंड हेल्थ आईडी नंबर, यहाँ दो ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। तो हम इसे इस तरह से हेल्थ आईडी जो हमारी है उससे लॉगिन करेंगे। तो इस तरह से आपकी जो हेल्थ आईडी जो है इसे डालेंगे और सबमिट करेंगे। इसके बाद फिर लॉगिन वाय पासवर्ड या ओटीपी, तो हमारा पासवर्ड हमारे पास है या ओटीपी से आप करना चाहें तो ओटीपी कर सकते हैं और इस तरह से पासवर्ड डालने के बाद लॉगिन आप कर देंगे। तो आप देख सकते हैं इस तरह से फिर से आपकी स्क्रीन पे आपका हेल्थ आईडी कार्ड आ जाता है। तो दोस्तों इस तरह से आप हेल्थ आईडी कार्ड बना सकते हैं और इस तरह से आप हेल्थ आईडी कार्ड के लिए आवेदन करेंगे। पूरा ये प्रोसेस ऑनलाइन है, इसमें आप ऑनलाइन माध्यम से इस तरह से हेल्थ आईडी बना सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से आप हेल्थ आईडी कार्ड के लिए आवेदन करेंगे और हेल्थ आईडी कार्ड से रिलेटेड अगर आपका कोई क्वेश्चन है, आपकी कोई समस्या है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, आपकी पूरी सहायता की जाएगी। और इसी तरह की जानकारी पाने के लिए आप हमारे साथ बने रहें, हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं फिर इसी तरह की एक और नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।